afternoon, children. It's maths time. Revision. This is the first term. Expanded form and short form. इसको revise कर लेते हैं. Expanded form जो हमें यहाँ number दिया गया है उसको हमें पूरी इनकी प्लेस वैल्यू जितने भी जीरो लगते हैं उनके साथ लिखना. तो ये नंबर हम सबसे पहले रीड करेंगे 724. तो 700 जीरो 20 वैल्यू कितने जीरो से 10 स्टेप्स पे प्लस प्लेस वैल्यू अगर आपने सीख ली है बहुत कुछ डिवाइस किया हमने बहुत सारे एक्सरसाइजेस किए प्लेस वैल्यू और जब भी हम एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं तब भी मैंने हमेशा प्लेस वैल्यू लगाई है उसका प्लेस. तो ये आपको याद हो जाना चाहिए अब तक तो क्विकली आपको आंसर आना चाहिए. ये इसका एक्सपांडेड फॉर्म होगी और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म समझ में आ गया आपको. तो 100 प्लेस पे है 20 10 प्लेस पे है 10 और 1 पे कोई जो नंबर है एज इट इज उसको लिखो. ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म. ये है नंबर हमारा 330. नहीं लगे हमें ये एच डी हो आप लगा लीजिए और फिर 100 वाले पे 2 10 वाले पे 10 और 1 वाले पे एज जो नंबर है वो एज इट इज हम लोग लिख देंगे. ये हमारा हो गया एक्सपांडेड. अब हम आ जाते हैं शॉर्ट फॉर्म पे. एक्सपांड फॉर्म में लिखी हुई इसको शॉर्ट बनाना है. सारे जीरो हटा के बहुत ईजी है सिर्फ नंबर लिखो 3 2 1 ये हो गया शॉर्ट फॉर्म. 3 2 1 जीरो नहीं लगाना है. शॉर्ट फॉर्म में जीरो हट जाएगा और एक्सपांडेड फॉर्म में जीरो लग जाएगा. 700 प्लस 30 प्लस 5 7 3 5 7 30. बहुत बार कर चुके हैं एक्सरसाइज का मुझे आई होप आपको बहुत अच्छे से ये कर पाओगे. आप मैथ्स तो वैसे भी अच्छी कर लेते हो सारे सब्जेक्ट अच्छे कर लेते हो. ओके ये हो गया हमारा एक्सपांडेड फॉर्म और शॉर्ट फॉर्म. अब आ जाता है हमारा असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर. ये है डिसेंडिंग ये है असेंडिंग. इंक्रीजिंग ऑर्डर और डिक्रीजिंग ऑर्डर. असेंडिंग और डिसेंडिंग. असेंडिंग जैसे आपको ये एरो से पता चल रहा है छोटा बड़ा और फिर बड़ा और डिसेंडिंग में बड़ा छोटा और सबसे छोटा. तो नंबर्स भी हमें इन्हीं सीरीज में इसी टाइप से लिखना है. एग्जाम्पल देख लेते हैं हम लोग 322 451 एंड 624. अब मैं बोल रही हूँ कि इसको आपको असेंडिंग फॉर्म में लिखना है तो कैसे लिखेंगे. ऑलरेडी ये लोग असेंडिंग में है ना तो हम लिख देते हैं यहाँ 629 और 232 और यहाँ लिख देते हैं हम लोग 189. तो हमको इसको लिखना असेंडिंग ऑर्डर. असेंडिंग मीन्स स्मॉलर स्मॉल जो सबसे थोड़ा बिगर एंड द बिगर. तो सबसे स्मॉल कौन सा है 189. इससे बिगर कौन सा है 232 और जो बिगेस्ट नंबर कौन सा है 680. काउंटिंग के अकॉर्डिंग इंक्रीजिंग ऑर्डर में हम लोग काउंटिंग में चलते हैं बस इंक्रीजिंग ऑर्डर में हमें बढ़ते जाने. इंक्रीजिंग मतलब 1 2 3 4 जैसे बढ़ते ना ऐड होता जाता है 1 1 नंबर. उसी तरीके से इन नंबर्स में हमें ये चूज करना है कि कौन सबसे छोटा है या फिर बड़ा ये असेंडिंग या इंक्रीजिंग ऑर्डर. अब आ जाते हैं हम डिसेंडिंग पे. तो सबसे बड़ा नंबर अब चेक करने का तरीका 100 प्लेस चेक करना है.
सबकी जो 100 प्लेस है उसको चेक करना, 3, 7, 6, 5। तो इनमें से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 7। तो 789। फिर उसके बाद 620। अगर इफ 100 प्लेस पे सेम नंबर है तो हमें 10th प्लेस को चेक करना है, अदरवाइज 100 प्लेस चेक करने से ही आपका जो डिसेंडिंग ऑर्डर आप इजीली कर पाएंगे। उसके बाद 580, 2 and 320। नंबर 10 लर्न करने की ट्रिक सिखाई थी मैंने, 1 से 20, फिर 30, 40, 50, 60, 100 और फिर सीधा 1000। अगर ये लर्न है तो आप 1 से लेकर 1000 तक कोई भी नंबर नेम इजीली लिख पाते। बार बार ये ट्रिक हमने जब नंबर नेम्स लिखे थे तब मैंने आपको बताई थी। तो ये अगर लर्न है लर्न तो ये तो करने ही पड़ेंगे, और फिर नंबर देख के उसके अकॉर्डिंग उसका नंबर नेम आपको लिखना। टेबल 6, 7 हमने पहले लिख ली थी, 8 और 9 कल मैंने आपको रिवाइज करने को लिखने को दी थी। तो 6, 7, 8, 9 तो 4 टेबल्स हैं अच्छे से, 10 की आपको सबको आती है, नंबर नेम्स हो गए। फिर आया एक्सपांडेड फॉर्म हो गई, लॉन्ग फॉर्म हो गई, फिर आता है आपके प्लेस वैल्यू। प्लेस वैल्यू कोई भी नंबर है आपका, जैसे मैंने लिख दिया 389, तो प्लेस वैल्यू जो होगी इसकी 300, 80, 89, ये इसकी प्लेस है, ठीक है ना। ये वाला हमने किया था पहले भी, अलग अलग प्लेस वैल्यू वाला पेज नंबर 35। तो ये आपको इस तरीके से सॉल्व करना प्लेस वैल्यू अगर क्वेश्चन आता है। फिर बिफोर आफ्टर अगर आपको काउंटिंग आती है तो आप इजीली कर पाएंगे। ये देखो प्लेस वैल्यू ऑफ ईच डिजिट, ये मैथ जिम में भी हमने सॉल्व किया था। ये एक और करवा देती हूँ आपको, डिफरेंट टाइप का है। किसी भी फॉर्म में, किसी फिगर में, किसी पिक्चर की फॉर्म में भी आ जाए, प्लेस वैल्यू तो सेम ही रहेगी। जो 100 प्लेस वाला है वो 100 प्लेस पे ही रहेगा, 10th वाला 10th पे और 1th वाला 1th पे। ऐसे आपको सॉल्व करना इसको। तो ये आज आप करिए, टेबल लर्न कर लिए करिए एक तो, और नंबर नेम कोई भी नंबर नेम आज कर देती हूँ मैं आपको। नंबर नेम ज़्यादा नहीं होगी, 1000। इसको बोलेंगे 1000। अब ये नंबर कैसे लिखोगे? 789। 7 की स्पेलिंग, 100 की स्पेलिंग, 80 EIGHTY 80 और 9 की स्पेलिंग, एक करके बता देते हैं। इसको बोलना है 700, तो 7 की लिखी पहले, फिर लिखी 100, फिर लिखी 80 और फिर लिखी। ये हो गया 789। ये देखिए 789, इस तरीके से आपको लिखना है। आप अगर अच्छे से रीड कर पाएंगे नंबर तो आप इजीली इसको लिख पाएंगे। ये है 1000, THOUSAND, ये 1000 की। तो ये नंबर नेम्स लिखिए आप लोग, ये आज आपका टेस्ट है। और 8 और 9 की टेबल अच्छे से लर्न कर लेना, 6, 7 तो आपने कल ही ली थी पहले।
ठीक है, मैथ्स में आज ये करिए, संडे फ्री संडे और इनकी प्रैक्टिस करिएगा, ओके, अच्छे से तैयारी कीजिएगा एग्ज़ाम की, आने वाले एग्ज़ाम।